हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो कैसे डिलीट करते हैं। मतलब कि दोस्तों, आप अपने एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल पर बायो ऐड किए हैं और अब आप अपने एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूं कि आप अपने एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को क्लिक कर लिया है और यहाँ पर एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो चलने लगी है। तो दोस्तों, अब आपको अपने एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो को डिलीट करना है। तो बायो डिलीट करने के लिए आपको नीचे साइड में एक पर्सन का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर्सन का आइकन पर क्लिक कर देना है। पर्सन के आइकन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एमएक्स टकाटक का प्रोफाइल पेज ओपन हो गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी हमारे एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल पर बायो शो हो रहा है। बायो में देखिए लिखा है आई एम यूट्यूबर। दोस्तों अब मैं इस बायो को डिलीट करके बताऊंगा कि एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो को कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों, बायो डिलीट करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर आपको एकदम लास्ट में बायो लिखा दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर बायो का ऑप्शन दिख रहा होगा और आपको यहाँ पर आपका बायो जो भी आपके एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल पर ऐड है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो अब दोस्तों, अब आपको बायो डिलीट करना है। तो बायो डिलीट करने के लिए आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर बायो लिखा दिख रहा है, आपको इस बायो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बायो पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर वो बायो आ जाएगा जो कि अभी आपके एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल पर ऐड है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल पर बायो में आई एम यूट्यूबर ऐड है। अब मैं इस बायो को डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के लिए आपको पहले इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे कीबोर्ड आ गया है। तो दोस्तों आपको कीबोर्ड में से कुछ लिखना नहीं, केवल आपको इसको कट कर देना है। तो कट करने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कट हो गया है। फिर आपको ऊपर एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप सेव के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये बायो डिलीट हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए देखने के लिए आपको बैक आ जाना है। बैक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब हमारा बायो नहीं दिख रहा है, मतलब कि हमारे एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो डिलीट हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एमएक्स टकाटक के प्रोफाइल से बायो को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।